दोस्तों ये कछुआ यहाँ से जा रहा होता है तभी ज्यादा गर्मी होने के कारण कछुए का कवच बिल्कुल कपड़े की तरह सुखड़ जाता है और ये देखकर कछुआ थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर कछुआ इस कवच को एक झाड़ी में उलझाकर निकाल देता है। लेकिन कछुआ एक पेड़ से आकर टकरा जाता है और पेड़ पे रखा घोंसला नीचे गिर जाता है और ये देख के कछुआ थोड़ा चौंक जाता है और जैसे तैसे अंडे को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर कछुआ घोंसले को पेड़ पे रखने की कोशिश करता है। लेकिन कछुआ तो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा होता है और तभी कछुआ अपना दिमाग लगाता है, अपने कवच से पेड़ के नीचे एक जंपिंग बेड बना लेता है और फिर कछुआ घोंसले को अपनी जगह पर रखने के लिए चला जाता है और फिर कछुआ घोंसले को अपनी जगह पर रख देता है। लेकिन जैसे कछुआ नीचे आता है तो अंडा भी नीचे गिर जाता है और दोनों ही जंपिंग बेड पे उछलने लगते हैं और कछुआ फिर से अपना दिमाग लगाता है और अपने कवच को एक बलून की तरह बनाकर अंडे को घोंसले में रखने के लिए चला जाता है। लेकिन भाई कछुआ उड़ते उड़ते कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल जाता है और फिर कछुआ इस बर्फीले पहाड़ पे अंडे को फेंक देता है और खुद भी नीचे कूद जाता है और थोड़ी देर बाद कछुए को बहुत ही खतरनाक ठंड लगने लगती है और उसका कवच भी पहले जैसे हो जाता है और ये देखकर कछुआ फटाक से अपने कवच को पहन लेता है और अंडे को अपने कवच में रख के यहाँ से निकल जाता है। दोस्तों अभी आपके फोन में कितनी परसेंट बैटरी है कमेंट कर जरूर बताना।